रियल एस्टेट की इमर्जिंग कंपनी फाइब्रिक रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने आज अपनी चौथी वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर बेलापुर मुख्यालय में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय बंजारा परिषद के अध्यक्ष किशन भाऊ राठौड़ खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने फाइब्रिक की सफलता और उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए सीएमडी मयूर वैद्य और उपाध्यक्ष राजेश राठौड़ एवं टीम की सराहना की। देखिए झलकियां। एमएमआर रीजन की लोकप्रिय लैंड लीडर कंपनी फाइब्रिक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने आज सफलता के 3 साल पूरे करते हुए चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया। इस अवसर पर बेलापुर मुख्यालय में एक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया, जहां फाइब्रिक के वाइस प्रेसिडेंट राजेश राठौड़ ने सपत्निक पूजा पाठ किया, जिसके बाद नए कार्यवर्ष का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े लैंड बैंकर्स इन्फोटेक के सीएमडी और राष्ट्रीय बंजारा परिषद के अध्यक्ष किशन भाऊ राठौड़ खासतौर पर मौजूद रहे। उन्होंने फाइब्रिक की 3 वर्षों की प्रगति और सफलता की सराहना की। किशन भाऊ राठौड़ ने कहा कि राजेश राठौड़ के विजन और परिश्रम का ही नतीजा है कि आज फाइब्रिक सफलता की बुलंदियों पर पहुंच सकी है और 3 सालों तक टिके रहते हुए ग्राहकों का विश्वास हासिल करने में भी सफल रही है। उन्होंने मिशन की सफलता के लिए टीम फाइब्रिक को बधाइयां भी दी। ये तो बहुत खुशी की और अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई से बड़ा महामुंबई ये नया शहर इस एरिया में निर्माण हो रहा है। गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं, जैसे सीलिंक अभी पूरा होने जा रहा है, एयरपोर्ट पूरा होने जा रहा है, यहाँ से एबीएमसी कॉरिडोर या यहाँ आने वाली डेवलपमेंट, इससे ये पूरा एरिया एक नया और हाईटेक शहर के रूप में समाज में आगे आएगा और ये महामुंबई की शान बढ़ाएगा। जब कोई ऐसा नया एरिया शहर के नज़दीक इतने बड़ी लेवल पे डेवलप होता है, तो यहाँ अच्छे उद्योजकों का एक आना बहुत ज़रूरी होता है। और राजेश राठौड़ ये एक बहुत ही मेहनती और ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए इस एरिया की पूरी जानकारी लेते हुए गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के साथ रहकर इस एरिया में हम नया क्या कर सकते हैं, इसके एक सपना लेकर जो अपना करियर की शुरुआत करते हैं, फाइब्रिक जैसी एक टीम अच्छी उनको वो गठित करते हैं, अच्छी टीम, अच्छे लोग, अच्छा स्टाफ, उनके सभी विजनरी जो लोग हैं वो सब जब अच्छे लोग मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। और 4 साल इस क्षेत्र में टिके रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। 4 साल जब हम अपनी सेवा का एक सातत्य इस क्षेत्र में देते हैं तो यही यशस्वी होने का एक आगे का मार्ग और सुकर हो जाता है। इसलिए राजेश राठौड़ को तो मैं बधाई देता हूँ, फाइब्रिक को बधाई देता हूँ, उसके साथ साथ ही क्षेत्र में आने वाले हर एक को मैं यही आह्वान करूँगा कि आप करियर की तरफ इस क्षेत्र को अपनाएं और इस क्षेत्र में अच्छा काम खड़ा करके लोगों को अच्छी सेवा देके अपने कस्टमर को, ग्राहकों को अच्छी सर्विस देके। बताना जरूरी है कि फाइब्रिक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने 3 सालों में 1100 से अधिक ग्राहकों को भूखंड और मकान उपलब्ध कराकर नया मुकाम हासिल किया है। इन उपलब्धियों और सफलताओं की जानकारी देते हुए सीएमडी मयूर वैद्य एवं वाइस प्रेसिडेंट राजेश राठौड़ ने कहा कि उनका लक्ष्य एमएमआर रीजन में जमीन और मकानों की चाहत रखने वाले ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों का सपना पूरा करना और फाइब्रिक को बुलंदियों पर ले जाना है। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। के डी सरांनी जे काम याच्यामध्ये एक अतिशय आदर्श असं काम उभं केलेलं आहे रिअल इस्टेटमध्ये, त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही या फाइब्रिक परिवाराची या ठिकाणी निर्मिती केली। 3 वर्षापासून आम्ही एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचं कस्टमर तयार करणं, त्यांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणं, याच्या माध्यमातून एक विश्वास ग्राहकांच्या मनामध्ये आणि रिअल इस्टेटच्या चांगल्या चालू असलेल्या कामामध्ये आम्ही या ठिकाणी सतत जिवंत ठेवलेलं आहे। आमच्या राजेश सरांचं काम हे अतिशय वाखाणण्याजोगं आहे
कारण की कुठलाही व्यवसाय म्हटल्यानंतर त्यामध्ये लगेच लगेच यश कधीच प्राप्त होत नाही, परंतु आलेल्या संकटांना आव्हान देत सामोरं जाते आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हा फायब्रिक परिवार एक विश्वासानं आणि ताकदीनं पुढे नेण्याचं जे काम केलेलं आहे त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. आणि आताच केडी राठोड साहेब असतील, गुरु असतील, आमची पूर्ण फायब्रिक टीम असेल, असेच या पुढच्या कालखंडामध्ये अतिशय चांगला ग्राहक आणि समाधानी ग्राहक करून आमची सेवा अविरतपणे आम्ही ठेकणी देण्याचा मनस आहे. त्याबद्दल सर्वांनी जे आम्हाला सहकार्य केले त्यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद देतो. सर्वप्रथम माझ्याकडून आणि फायब्रिक परिवाराकडून आम्ही या मागच्या 3 वर्षामध्ये म्हणजे चढउतराच्या काळामध्ये जसे कोरोनाचा एक महामारीचं संकटामध्ये सुद्धा आम्ही अनेक ग्राहकांना कंटिन्युअसली सेम सर्व्हिस देत आहोत. त्याचबरोबर आम्हाला पण या सर्व एक सर्वसाधारण लोकांपासून खूप चांगला प्रतिसाद, कंपनीवर टाकवलेला ट्रस्ट यासाठी आम्ही सर्वांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. आणि त्याचबरोबर आम्ही आतापर्यंत फायब्रिक या कंपनीने साधारणतः 1100 ग्राहकांना आतापर्यंत घर देण्याचा म्हणजे नवी मुंबई आणि सीलिंग परिसरामध्ये जिथे नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट होतोय, ज्या परिसरामध्ये सीलिंग लँड होतोय किंवा एक तिसरी महामुंबई होते या परिसरामध्ये आम्ही सर्वसाधारण लोकांना घर, कारण घर हे एक सुंदर असं स्वप्न आम्ही या परिसरामध्ये लोकांचे साकार करत आहोत. 1100 लोकांना आम्ही या परिसरामध्ये घर आणि प्लॉट्स देण्याचे काम केले आहेत. अशीच सर्व्हिस आम्ही सदैव पुढे ठेवणार आहोत. तुमची जी साथ आहे ती आम्हाला आमच्यासोबत 3 वर्ष कायम राहिली अशीच पुढे असावी आणि तुमचे जे साथ आम्हाला आशीर्वादा स्वरूपात मिळाली अशीच आमच्यासोबत असावी. आणि बाकी सर्व माझ्या गुरुजन वर्गाने माझ्यासोबत असंच आशीर्वाद आणि तुमचा साथ असावा. मी माझ्या प्रगतीत अजूनही मला कारण तुमच्या असण्याने मला तो बळ आणि ती इच्छा मिळते काम करण्यामध्ये ते, आणि ही साथ अशीच सदैव असावी अशी सर्वांना माझ्याकडून नम्र विनंती आहे. आणि फायब्रिककडून या 4th वर्षाच्या सर्व ग्राहकांना आणि सर्व माझ्या फायब्रिक परिवारांना हार्दिक शुभेच्छा. कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद दर्शनाचार्य श्री साहेबराव महाराज शास्त्री ने भी टीम फाइब्रिक के संचालक राजेश राठौर एवं मयूर वैद और उनके टीम के प्रयासों की सराहना की. फाइब्रिक कंपनी के द्वारा, समूह के द्वारा जो ये गतिविधियां चलाई जा रही है, जो जनसेवा की जा रही है, उसके लिए मैं आने वाले आगामी काल के लिए मैं सभी यहाँ इस टीम के सदस्यों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि जो एक ग्रामीण इलाके से आकर के महानगर में यहाँ बस करके अपनी छवि को एक साकार करना, अपनी छवि को एक उज्ज्वल बनाना ये आसान बात नहीं है. फिर भी वो इतने ऐसे ग्रामीण इलाकों से आकर के इस महानगर में अपने जो अस्तित्व को निर्माण किया है ये कौतुकास्पद है और धन्यवादास्पद है. इसलिए मैं राजेश राठौड़ को, जिनके आधार स्तंभ किशन भाव राठौड़ है और उनके आधार आधिपत्य में उन्होंने ये जो अपनी जीवन का जो उज्ज्वल भविष्य आरंभ किया है, तो उनके और उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं. वो ऐसे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और लोगों की जनों की सेवा करते रहे, मैं ऐसे उनको शुभेच्छा देता हूं, आशीर्वाद देता हूं. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.